तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बात पूछता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करते हो? नहीं करते हो मुझे पता है। चैनल को सब्सक्राइब किए हो? हाँ किए हो, तभी तो वीडियो को देख रहे हो। नहीं किए और अभी भी देख रहे हो? कोई बात नहीं, देखो कौन मना कर रहा है। तो गाइस आज जो मैं आपको वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ वो वीडियो दोस्तों अभी आप अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हो। इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको ब्लर दिखेगा, साथ ही में वीडियो का बैकग्राउंड आपको चेंज दिखेगा, साथ ही में पूरा वीडियो आपको कार्टून में दिख रहा होगा। तो दोस्तों आप भी अगर इस तरह का वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आज के इस वाले वीडियो को मेरा थोड़ा सा आपको ध्यान देके देखना होगा। मैं साथ ही हूँ बहुत ही आसान तरीके से आज इस तरह का वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लेके चलता हूँ, देन आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कैसे गाइस आपको यहाँ पर वीडियो को एडिट करना है। तो गाइस आप अगर मेरे लास्ट वीडियो को देखे हो तो फ्रेंड्स आपको आइडिया लग चुका होगा कि प्रिकॉल ऐप पर गाइस आप कार्टून वीडियो एडिट कर सकते हो। आप अगर मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जहाँ पर दोस्तों मैंने प्रिकॉल ऐप का लिंक दे के रखा है। आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिकॉल ऐप को ओपन कीजिएगा। तो प्रिकॉल ऐप का जो फर्स्ट इंटरफेस है गाइस कुछ इस तरह से आएगा। अब दोस्तों आपको इस वाले प्लस के मार्क पर क्लिक करना होगा, देन गाइस यहाँ पर आपके गैलरी ओपन होकर आ जाएगा। अब साथियों जिस भी वीडियो को आप यहां पर एडिट करना चाहते हो उस वाले वीडियो को दोस्तों आपको यहां पर अभी सेट करना होगा। तो गाइस मैं आपको दिखाने के लिए विष्णु प्रिया जी के इस वाले वीडियो की यहां पर सेट किया हूं। अब साथियों आपको यहां पे जो नीचे में सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब साथियों आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका जो फ़ोन का कीबोर्ड है यहाँ पर ओपन होकर आएगा। अब साथियों आपको यहाँ पर टाइप करके लिखना होगा कार्टून। जब दोस्तों आप यहां पर कार्टून लिख के सर्च करोगे कार्टून के जितने सारे फिल्टर है वो आपके सामने आएंगे। यहां पर दोस्तों जो AI कार्टून प्लस लिखा हुआ है आपको दोस्तों इसको सेट करना होगा। जब साथियों आप यहां पर क्लिक करते हो कुछ इस तरह से गाइस ये जो फिल्टर है पूरा AI के माध्यम से पूरा वीडियो बनेगा। सो गाइस आपके फ़ोन का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन होना चाहिए और आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट भी करना होगा। तो मैं साथियों यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ टाइम वेट करने के बाद विष्णु प्रिया जी का जो वीडियो है यहाँ पर पूरा कार्टून बन चुका है। अब दोस्तों आपको ऊपर में जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको साथियों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप अलाउ वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका दोस्तों जो वीडियो एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका वीडियो यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर दोस्तों मेरा प्रिकॉल लिखा हुआ आ रहा है। आप अगर दोस्तों इसका प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो यहाँ पर लोगो नहीं आएगा। बाकी साथियों वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर सेव वीडियो वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से गाइज आपका जो स्टेप वन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर कैपकट ऐप को ओपन करना होगा। अगर दोस्तों कैपकट का आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो साथियों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, जहाँ पर मैंने लिंक दे के रखा है आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब साथियों आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर गाइज आप स्टॉक वीडियो वाले ऑप्शन पर जाइएगा तो कुछ इस तरह गाइज आपके सामने वीडियो आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप वीडियो पे क्लिक करोगे और आपका यहाँ पे वीडियो लोड नहीं होता है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे किसी एक VPN ऐप को कनेक्ट करना है, उसके बाद ही दोस्तों आप यहाँ पर कैपकट ऐप के अंदर एडिटिंग स्टार्ट कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दो आपको हार्ट वाले वीडियो दिख रहे होंगे, इन दोनों वीडियो में गाइस आपको जो भी वीडियो अच्छा लगता है उस वाले वीडियो को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। जैसा कि दोस्तों अब मैं आपको दिखाने के लिए ये हार्ट वाला वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अभी आपको यहाँ पे वीडियो को जो एक्सपेक्ट रेशियो है उसको सेट करनी है। उसके लिए गाइस आप यहाँ पे नीचे में देखोगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो सेट कीजिएगा। देन गाइस वीडियो पर अभी क्लिक करना होगा, देन डबल फिंगर की मदद से गाइस अपना जो वीडियो इसको पूरा कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन में आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद गाइस अभी आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग तरफ में आपको यहाँ पर आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओवरले पर क्लिक करना है। एड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो वीडियो आपने अभी अभी बनाया को फर्स्ट में दिखेगा उस वाले वीडियो को आप यहाँ पर सेट करके ऐड कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो विष्णु प्रिया जी का वीडियो यहाँ पे मेरा टाइमलाइन में आ चुका है। अब गाइस डबल फिंगर की मदद से कुछ इस टाइप से वीडियो को फुल स्क्रीन में आपको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे में अगर खोजोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, अगर नहीं दिखता है तो कटआउट वाला ऑप्शन दिखेगा। आपको साथियों इस पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब साथियों आप यहाँ पर क्लिक करोगे रिमूव बैकग्राउंड गाइस आपका यहाँ पे परसेंटेज दिखेगा। सो गाइस आपको यहाँ पे 100% होने तक का वेट करना होगा। तो फाइनली गाइस मेरे वीडियो का जो बैकग्राउंड है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है।
अब दोस्तों मैं अपने वीडियो के एंडिंग तरफ में जाऊं तो देख सकते हो बैकग्राउंड मेरा यहाँ पे छोटा पड़ जा रहा है। सो गाइस मैं क्या करूँगा, इस वाले वीडियो का जो स्पीड है मैं थोड़ा यहाँ पे डाउनग्रेड कर दूंगा। इतना करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो वीडियो का जो बैकग्राउंड थोड़ा लंबा हुआ, सो मैं अपने वीडियो के बराबर में इसको करूँगा। देन बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको मैं एडिट करके हटा देता हूँ। साथ ही में दोस्तों आपको जो कैपकट वाला लोगो वाला बैकग्राउंड है इसको भी दोस्तों आपको यहाँ पे एडिट करके हटाना होगा। अब दोस्तों आप अपने वीडियो के स्टार्टिंग तरफ में आप यहाँ पे आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर गाइस आपको यहाँ पे जो बेसिक वाला ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पर जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ ब्लर सेलेक्ट करना होगा, देन आप यहाँ पर ओके प्रेस कीजिएगा। अब साथ में इस पर क्लिक करके इसका गाइस ब्लर आपको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पर 10 कीजिएगा, बस 10 बस, ठीक है। इतना करके आपको इसका जो ड्यूरेशन है जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन होगा उतना आप यहाँ पर कर दीजिएगा। अभी से गाइस देखते हो वीडियो कितना बढ़िया लग रहा है। अब दोस्तों स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे आपका पूरा फॉर्मेट यहाँ पे ब्लर होगा, इस तरह से सीन बनाना है। उसके लिए भी आप यहाँ पे वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाके बेसिक वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर गाइस आपको खोजना होगा कैमरा फोकस, सॉरी आपको दोस्तों कैमरा फोकस को आपको सेट करना होगा। देन आप यहाँ पर ओके प्रेस कर लीजिएगा। अब दोस्तों इस पर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर जाके ऑल क्लिप्स वाले ऑप्शन पर आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। फाइनली गाइस आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों मैं अपने वीडियो को अगर प्ले करके आपको दिखाऊं तो मेरा वीडियो गाइस कुछ इस टाइप से दिखेगा, देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान सिस्टम को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो बहुत ही इजीली आप क्रिएट कर सकते हो, यानी एडिट कर सकते हो। बाकी साथियों वीडियो को सेव करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर 1080 वाले ऑप्शन में जाना होगा। फ्रेम रेट को आप यहाँ पर 60 में रख के शेयर पर क्लिक करके अपना वीडियो को यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। तो यार आप अगर मेरे लास्ट दो वीडियो को नहीं देखे हो तो आप इन दोनों जगह पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब वाला बटन भी दिख रहा होगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।